आपको कैसे फील हुआ, कब हुआ, सिम्टम्स क्या लगे कि आपने जाके टेस्ट करा? यार मुझे इस ये जो और आप एहतियात कर रहे थे अब्बा खुदा, ये जो मैंने बातें की इसलिए की है कि ये वो तकलीफ की वजह से करा। आई नो कि वो जो होगी ना, मैं वो दर्द आपके सामने इसलिए मैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता दर्द निकालेंगे ना, जरा अभी आए हैं लोग बड़े दिनों बाद आपको देख रहे हैं। असल में मुझसे लोग ये तवक्को नहीं करते कि मैं भी ऐसी बात करूंगा। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भैया कि अब कोई कर नहीं रहा, पूरा ढाई घंटा आपके पास वो बातें करने के। आप मुझे ये बताइए कि आपको पता कैसे चला, मुझे कि आपको पता ऐसे चला कि मेरे साथ डॉक्टर साहब थे तो उनको गाने वाने का भी शौक है, तो हमने कहा शौक पूरा कर देंगे आपका। तो मैंने कहा यार मेरी बदन में, यार मैंने कहा मेरे जोर शोर में मैंने कहा दर्द शुरू हो गया। वो डॉक्टर साहब कौन थे ऐसे जनरल, मतलब आपके दोस्त? अभी वो होने वाले हैं MBBS, लेकिन उन्होंने खिदमत खल्क इतना किया है, स्टूडेंट हैं। तो कहने लगे यार ये आंखें रेड होना शुरू हो गई। हाँ। तो कहने लगे भाई कहना टेस्ट करा लेते हैं, पर हम पता नहीं हम में से किसी को भी हो। हाँ। तो मैंने कहा यार मेरी जब मैंने तबीयत का कहा तो उसने कहा चलो हम गए, तो साथ में मेरे एक उबैद था उसका कराया, दूसरे बंदे का कराया, इन्होंने भी कराया। जब मैंने कहा यार मैं तो टेस्ट जैसे ही कराया मैंने कहा यार भैया मुझसे तो हट जाओ सब छोड़ दो। नहीं तो आपका रिजल्ट आ गया? नहीं रिजल्ट नहीं आया तब मैंने काट दिया। टेस्ट कराते ही आपने बोला कि दूर हो, दूर हो। अब मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ। हाँ। मैंने कंफर्म है। तो खैर फिर मुझे वो हो गया। अब जब हुआ, अब तकलीफ की बात की आपने, जब मुझे हो गया यानी कंफर्म, दूसरे दिन रिपोर्ट भी आ गई कि भैया आप पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। पहले दिन मैंने कहा यार ये शायद इसका खौफ होता है कि यार कोरोना मुझे हो गया है, कोई बात नहीं। तो मुसल्ले पे जब टाइम मैं अगर 5 मिनट देता तो अब मैंने 10 मिनट कर दिए। आदमी यहाँ ज़्यादा टाइम देता है फिर ना खौफ से, तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया, ये शायद उसी का नतीजा है कि मैं बच गया। मेरे बदन के साथ साथ जो भैया ये हर किसी को नहीं होता है, और जो दवा मैंने इस्तेमाल की है वो हर आदमी के लिए नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, ये तो अपनी आप बीती बता रहे हैं ना। चेस्ट नहीं, ये चेस्ट मेरा अभी भी मेरा गला खराब है, यानी वो रेशा आता है, ये चेस्ट मेरा ऐसे था जैसे ये हाथ हम जो नहीं मिला देते ऐसे जकड़ गया ऐसे, और जैसे कि अगर यहाँ पर कोई मेरी गैस वेस कुछ घूम रही है ना तो ये भी मुझे फील हो रहा था कि ये खाली हो गया है। हाँ। और इस एरिया में आके ऐसा लगता है कि किसी ने कोई बॉल लेके ना, छोटा सा वो टेनिस बॉल नहीं है, तो लेके मेरे हलक के अंदर बंद कर दिया। सांस नहीं आ रहा, अब सांस मुझे नहीं आ रही। हाँ। अब सांस ये मुझे तकरीबन 2 दिन हुआ टाइट वाला, खतरनाक वाला। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार बॉस ये तो मेरी सांस वांस, मैंने कहा ये मेरी पसलियाँ, मैंने कहा जा रही है मुझसे हाथ से। तो उन्होंने अभी आप घर पे ही थे? हाँ घर पे ये सब चीज़ें आप घर पे ही घर पे कर रहे थे। और फिर डोज मुझे दी कि यार ये तुम डोज बढ़ा दो, वो एंटीबायोटिक जो क्या होती है वो मुझे दी। उसके बाद से फिर तीसरे चौथे दिन बुखार ने मुझे पकड़ लिया, तेज बुखार। अब तेज बुखार हो रहा है मुझे। आपके पास कोई था अकेले? अकेला। खाना पीना मेरे साथ एक चांद था, मेरा भाई है वो मेरे साथ था, कमरे के बाहर लेकिन अंदर नहीं। बुखार शुरू हुआ, बुखार के बाद जो है ना अब मुझे ये हो गया कि ये जैसे आप एक कमरे के अंदर अगर अटैच बात होता है। हाँ। तो यानी इतना मुझसे दूर होगा जैसे आपके बॉक्स है ना। हाँ। आप बिलीव करो मैं वॉशरूम जाने के लिए पहले तकरीबन 5 मिनट सोचता था यार मैं जाऊंगा कैसे, हर बार यानी कमजोरी ऐसे कि ये पाँव मेरे चलते बिल्कुल, ये तो मुझे खिला पिला के अभी दोबारा इन्होंने ऐसा किया। यानी मैंने लूज किया अपना वजन, मुझ में था कितना वैसे भी, मैंने कोई 5 kg लूज किया। आई हाय। फिर जबरदस्ती वो भी 14 दिनों में। हाँ। 5 kg लूज कर। 9वें दिन से मेरी तबीयत ऐसी हो गई। हाँ। जैसे अभी मैं थोड़ा साल का वो जो इनहेल करते हैं ना तो मुझे फील होता है। हाँ। अजीब सा जायका। 9वें दिन से मतलब? 9वें। अच्छा 9। मैंने कहा 9वें दिन कहाँ से? नहीं 9वें दिन। 9th day आपको? 9th day के बाद फिर मुझे ये शुरू हो गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो मेरे साथ थी, ये ऐसा पता नहीं किसी के साथ होता नहीं, मुझसे कभी भी स्मेल नहीं आती, इवन मैं शूज़ भी अगर सॉक्स से पहनूं तो उसमें स्मेल नहीं होती। लेकिन ये जो सड़ी हुई बू जो इस पसीने की मुझसे आ रही थी ना, वो मैं नहीं भूल सकता। यानी अच्छा आपको खुशबू और टेस्ट आ रहा था 9वें दिन? हाँ 9वें दिन आना शुरू हुआ। 9वें दिन या उससे 9 दिन तक नहीं आ रहा था? आ रहा था। हाँ। लेकिन ऐसा यानी कोई खास नहीं था, यानी कि मुझे कोई यारी वो स्मेल मेल का कोई नहीं, नहीं जैसे स्मेल चली जाती है ना आपकी सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है, आपकी चखने की सलाहियत कुछ लोग। हाँ, वो, हाँ, हाँ, वो खाने का तो टेस्ट नहीं आ रहा था। नहीं नहीं वो नहीं आ रहा। और जैसे यासिर को तो स्मेल भी नहीं आ रही थी? नहीं नहीं वो सूंघ भी नहीं सकता था। एक जहाँ मैं दोस्त के घर था तो मैंने खिड़की तोड़ दी थी उसकी। क्यों? तो खिड़की इसलिए कि मैंने कहा बाहर से कोई धूप तो लूँ, कुछ तो लूँ मुझे आए वो घुटन हो रही। खिड़की तोड़ दी? हाँ खिड़की तोड़ तोड़नी पड़ी, जान से बढ़कर तो नहीं है।
तो उस वक्त जब ये बाहर से कुछ ऐसी स्मेल आती थी ना, वो मेरे बिल्कुल यहाँ लगती थी इधर। अच्छा, इधर भेजे पे यानी सूंघने की सलाहियत आपकी बढ़ गई थी। हाँ, और ये सर मेरा ऐसा था कि बस ये अब फटने वाला है, अब ब्लास्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब अगर मैं ये दर्द जो मैंने सहा है, ये अपने अल्फाजों में तो आपको बता रहा हूँ, आसानी से सुन रहे हैं, पता तो उसी को होगा ना जिसको दर्द होगा। मैं, मुझे पता है ना, क्योंकि तो मेरे पहले चिल्लाने की वजह ये थी, ये दर्द कि ये किसी और को ना हो, और जिसको भी हो भैया, हल्का सा भी हो, अपने आप को थोड़ा किनारा कशी कर लो, थोड़ा एहतियात करो, मास्क लो, मास्क बांधो, खाली सैनिटाइजर और ये चीज़ें, ये तो खैर।